हेलो एवरीवन, हलचल इन बॉलीवुड के एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शबाना आजमी और जावेद अख्तर अभी हाल ही में सुर्खियों में तब आए थे जब जावेद अख्तर के 75th बर्थडे पर बॉलीवुड थीम पर पार्टी रखी गई थी और फिर उसके दूसरे ही दिन मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में जावेद अख्तर को तो ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन शबाना आजमी के सिर और बैकबोन में इंजरी हुई है। हालांकि उनकी स्थिति अब स्टेबल है, लेकिन जिस ट्रक से उनकी कार टकराई थी उस ट्रक के ड्राइवर ने शबाना आजमी के ड्राइवर के खिलाफ रैश ड्राइविंग का केस कर दिया है। ये तो थी अभी हाल की ताज़ा खबर, लेकिन यह वीडियो इस एक्सीडेंट के बारे में नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा नेशनल अवार्ड जीतने वाली और पद्म भूषण से सम्मानित हुई एक्ट्रेस शबाना आजमी जी के बारे में है। जी हाँ, शबाना आजमी ने 5 बार नेशनल अवार्ड जीता है, और इतना ही नहीं, इन सब के अलावा उन्होंने कई और भी नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं जो केवल और केवल एक मंजा हुआ कलाकार ही जीत सकता है। आपको वो नाम जानकर आश्चर्य होगा जिससे इंस्पायर होकर शबाना आजमी ने फिल्म में अभिनय करने के बारे में सोचा। उस एक्ट्रेस का नाम है जया भादुरी, जो आज जया बच्चन है। जी हाँ, जया बच्चन की फिल्म सुमन में उनके नेचुरल एक्टिंग ने शबाना को एक्ट्रेस बनने के लिए प्रेरित किया। शबाना आजमी जी का फिल्म इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कि इस पर एक वीडियो में तो बात करना संभव नहीं हो सकता। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी सिर्फ कुछ इंटरेस्टिंग बातें ही बताऊंगी। 18 सितंबर 1950 को शबाना आजमी का जन्म महान पोएट कैफी आजमी के घर में हुआ था। शबाना की माँ शौकत आजमी एक स्टेज एक्ट्रेस थी। शबाना ने FTII पुणे से एक्टिंग का कोर्स भी किया है। वो वहाँ अपने बैच की गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। 1974 में उनकी पहली फिल्म अंकुर आई, जिसमें अपने अभिनय के लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था। वैसे अंकुर फिल्म में काम करने के लिए उस वक्त कई नामी एक्ट्रेसेस ने मना कर दिया था, और डायरेक्टर श्याम बेनेगल के पास न्यू एक्टर शबाना आजमी के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। शबाना 70 के दशक में ही एक्टर बेंजामिन गिलानी से एंगेज थी, लेकिन बाद में यह रिश्ता टूट गया। कहा जाता है कि वो 7 साल तक फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर के साथ भी रिलेशनशिप में थी, पर बाद में इसे र्यूमर बताया गया। शबाना आजमी के पिता कैफी आजमी उर्दू के बहुत बड़े कवि थे, और इसी कारण जावेद अख्तर का भी उनके घर अक्सर आना जाना लगा रहता था। जावेद अख्तर उस समय हनी ईरानी से शादी के रिश्ते में बंधे हुए थे, और उससे उन्हें 2 औलादें भी थीं, जोया अख्तर और फरहान अख्तर। हनी ईरानी से भी जावेद अख्तर ने लव मैरिज ही की थी। शुरू में शबाना आजमी ने कभी भी जावेद अख्तर में अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि वो एक शादीशुदा इंसान थे। एक दिन एक पेस्ट्री इवेंट में उनकी मुलाकात हुई, और दोनों ने एक दूसरे से पॉलिटिकल और साहित्य को लेकर ढेर सारी बातें की। जावेद से बात करके शबाना को लगा कि वो बाकियों से काफ़ी अलग इंसान थे, और कब उनमें नज़दीकियां बढ़ने लगी उन्हें पता ही नहीं चला। हनी ईरानी को इस बात का आभास होने लगा, और उनके घर में झगड़े बढ़ने लगे। हनी ईरानी को एहसास होने लगा कि उन झगड़ों से कोई फ़ायदा नहीं था, और आखिरकार 1978 में उन्होंने जावेद अख्तर से अलग होने का फैसला कर लिया। बच्चों के मन में पिता के प्रति कोई कड़वाहट ना हो, इसलिए हनी ईरानी ने बड़ी समझदारी से बिना किसी लड़ाई झगड़े के खुद को अलग कर लिया। शबाना के पिता कैफी आजमी भी शबाना और जावेद के रिश्ते से खुश नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी की वजह से जावेद अख्तर का परिवार टूट रहा था। शबाना ने अपने पिता से पूछा, क्या वो मेरे लिए गलत इंसान है? तो कैफी आदमी ने कहा, इंसान नहीं बल्कि हालात गलत हैं। शबाना ने अपने पिता से वादा किया कि वो हालात को बेहतर बनाएंगी। शबाना और जावेद अख्तर ने लगभग 6 साल तक एक दूसरे को डेट किया, और 1984 में आखिरकार शादी कर ली। शबाना की समझदारी से जावेद अख्तर और उनके बच्चों के बीच भी हालात बेहतर बनने लगे। हनी ईरानी ने भी अपने बच्चों को नफरत के साथ बड़ा नहीं किया, बल्कि उन्हें पिता के पास आने जाने की पूरी छूट दी थी। किसी मेडिकल रीजन की वजह से शबाना आजमी कभी भी माँ नहीं बन सकी, और यह उनके लिए बहुत ही दर्दनाक था। हालांकि धीरे धीरे कहीं न कहीं फरहान और जोया अख्तर ने उनकी यह कमी पूरी कर दी। शबाना की लाइफ में सक्सेस के साथ साथ कॉन्ट्रोवर्सीज भी खूब रही हैं। 1993 में एक कॉन्ट्रोवर्सी तब हुई थी जब साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला इंडिया आए थे। अपनी विजिट के दौरान शबाना के गाल पर उन्होंने किस कर लिया था।
इस पर सोशल और पॉलिटिकल पार्टीज ने धरना और रैलीज निकाली थी, जहां कुछ लॉयर्स, सोशल एक्टिविस्ट और स्टूडेंट्स उनके अगेंस्ट थे और उनके अगेंस्ट रैलीज कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं कुछ लॉयर्स, सोशल एक्टिविस्ट और स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे और उनके सपोर्ट में रैलीज निकाल रहे थे। इन सब के अलावा फायर फिल्म में शबाना की किसिंग सीन ने भी खूब कंट्रोवर्सी बटोरी थी। शबाना आजमी का नसीरुद्दीन शाह को क्रिटिसाइज करना भी सोशल मीडिया में बहुत ट्रोल हुआ था, क्योंकि शाह ने उनके स्टेप सन यानी कि फरहान अख्तर को भाग मिल्खा भाग के लिए फेक परफॉर्मर कहा था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।